ज़्यादा छोटा हो रहा है, आगे बढ़ जाते हैं 7 2 14, ये भी थोड़ा छोटा है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं 7 3 21, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। सो अगर 7 3 21 ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम सेकेंड वाले ऑप्शन को चुनेंगे जो कि 7 2 14 था। तो चलिए हम 7 2 14 करते हैं, तो 7 2 14 करेंगे तो 17 में से 14 जाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, जो कि ये रिमाइंडर हो गया और ये आपका कोशेंट हो गया और ये आपका डिवाइजर हो गया। तो अब हम इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखा दिया गया है कोशेंट रिमाइंडर एंड डिवाइजर, तो यहाँ पे लिखेंगे कोशेंट रिमाइंडर एंड डिवाइडर। सो ये हमारा डिवाइडर 7 लिखना था, सॉरी मैंने डी लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया 2 3/7, ये हमारा आंसर। अब आप इसको देख सकते हैं 7 2 14 14 + 3 17 14 + 3 करेंगे 17 बाई